Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Deepthi Bhardwaj from Samastipur, Bihar, ye algebra ki ek problem hai. Define integral domain. Give an example which is an integral domain but not a field. Hame define karna hai integral domain ko aur ek aisa example dena hai jisme integral domain to wo ho lekin wo field na ho. तो इसका एक एग्जांपल हमको देना है. तो इसके लिए हमने एक डेफिनेशन जो पूछी गई थी उसको लिख रखी है इंटीग्रल डोमेन की. तो इंटीग्रल डोमेन की इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करना है. डेफिनेशन तो होगी हर एक के पास, उसे डिफाइन करना बस. यहाँ पर ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है. यहाँ पर दो ऑपरेशन है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन. With unit element is called an integral domain or simply a domain if it has no proper zero divisor. यानी कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी यहाँ पर अगर हमने कॉम्यूटेटिव रिंग कहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 10 प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि रिंग की अपनी 9 प्रॉपर्टी होती हैं और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिंग में 9 प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं कि प्लस ऑपरेशन पर एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी 5 प्रॉपर्टी होगी. और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर ये होता है सेमी ग्रुप होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर. दो प्रॉपर्टी ये हो गई, 5 2 7 हो गई, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की दो प्रॉपर्टी हो गई, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दूसरा राइट राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. इस तरीके से 7 में 2 और जोड़ दी, 9 प्रॉपर्टी तो रिंग की हो गई. अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी है यानी जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू वी इंटू ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शामिल करने 10 प्रॉपर्टी की होगी. अब हम लोग जानते हैं कि ग्रुप होने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होने के लिए 1 होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए. तो वो भी अगर इसमें ऐड कर दिया गया इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन बनाने के लिए, तो अभी हो गई थी प्रॉपर्टी 10 हो गई, तो 11वीं प्रॉपर्टी ये होगी इंटीग्रल, यानी 1 भी अगर इसमें हो, आर में 1 एलिमेंट भी हो जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी कहलाता है, वो भी मौजूद हो तो 7 में डोमेन तब कहलाएगा जब एक लास्ट प्रॉपर्टी और बची है. ये इसे मिला लेंगे तो 12 प्रॉपर्टी हो जाएंगी, 12 प्रॉपर्टी हो जाएंगी. नो प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र, ये हम बाद में बताएंगे ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब क्या होगा. यानी कुल मिला के इस तरीके से 12 प्रॉपर्टी हो गई हैं. तो डेफिनेशन आपके सामने है. इसको अब एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्ज़ाम्पल पूछा गया था कि ऐसा एग्ज़ाम्पल बताएं जो इंट्रीगल डोमेन, इंट्रीगल डोमेन तो हो लेकिन फील्ड ना हो. जैसे कि हम लोग जानते हैं हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है लेकिन हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता है. तो ऐसा ही एक एग्जांपल बताना है जो इंटीग्रल डोमेन तो हो लेकिन वो फील्ड ना हो. तो एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारा सेट ऑफ इंटीजर. अगर इस प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इंटीग्रल डोमेन का, लेकिन ये फील्ड नहीं है. फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि फील्ड में जो होता है उसकी फील्ड की डेफिनेशन में आपको पता है कि जो फील्ड होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर एबिलियन ग्रुप होती है. एबिलियन ग्रुप होती है मतलब ज़ीरो को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ज़ीरो के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा. तो एबिलियन ग्रुप होगा तो जो प्रॉपर्टी होती फोर्थ वाली ग्रुप की, अभी बोला था हमने इनवर्स वाली प्रॉपर्टी. तो इनवर्स जैसे जेड जो सेट ऑफ इंटीजर होता है, आप जानते हैं इसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. तो इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लें, जैसे 3 उठाया हमने, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि 1/3 होता है,
वो इस जेड में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये फील्ड नहीं होगी। जबकि हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव अगर फील्ड है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी सेट में मौजूद होना चाहिए, जो नहीं है यहाँ पर 1/3, तो ये फील्ड नहीं होगा। लेकिन जितनी भी 12 प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी 12 के 12 प्रॉपर्टी जो होंगी ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये इंटीग्रल डोमेन का एग्जांपल है। अब जो प्रॉपर्टी हमने लिखी तो उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो हमारा डोमेन होता है उसको यूजली डी प्लस ऑपरेशन और माइनस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको समराइज कर दें अगर हम चार पार्ट में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने बताया तो 12 प्रॉपर्टी हैं, तो पहली प्रॉपर्टी में ये जो डी प्लस ऑपरेशन है यानी प्लस मल्टीप्लिकेशन दोनों हैं, तो पहले प्लस ऑपरेशन पे ये होना चाहिए इस एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एबिलियन ग्रुप में पांच प्रॉपर्टी होती है, तो पांच प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होती क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी मीन्स अगर ए बी डी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए प्लस ऑपरेशन प्लस है तो प्लस बी भी डी को बिलोंग करेगा, तो ये क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर एबिलियन ग्रुप है तो पांच प्रॉपर्टी वो कौन सी होगी वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। दूसरी वाली प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें तीन एलिमेंट लें ए बी सी फॉर एवरी, यहाँ पर लिखना जरूरी है ए बी टू बिलोंग टू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू, यानी जितने भी एलिमेंट हों डी में वो सारे के सारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। ऐसी ए बी सी बिलोंग टू डी वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन प्लस है तो ए में बी जोड़ दें और फिर से सी जोड़ें, या ऐसे करें कि बी और सी को पहले जोड़ दें और सी करें, ना सिर्फ ये तीन एलिमेंट के लिए बल्कि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू डी है, डी में पाए जाने में जितने भी एलिमेंट सब के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। चाहे आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी होती है एबिलियन ग्रुप जो है ग्रुप से बनता है, तो ग्रुप में चार प्रॉपर्टी होती हैं और कॉमटेटिव इसमें शामिल हो जाए तो ये पांचवी प्रॉपर्टी मिल के एबिलियन ग्रुप हो जाता है। अभी हम दो पे ही पहुँचे हैं यानी सेमी ग्रुप पर पहुँचे हैं, अब एक प्रॉपर्टी और शामिल कर रहे हैं वो है इसकी आइडेंटिटी। तो हम लोग जानते हैं जे डी में आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, तो ज़ीरो बिलोंग करेगा बिलोंग करता है डी को, और सच दैट वो इस तरीके से बिलोंग करेगा कि ए में अगर ज़ीरो ऐड करें तो ए आ जाए, चाहे इसे प्री ऐड करें या पोस्ट ऐड करें, फॉर एवरी ए बिलोंग टू डी, यानी डी में जितने भी एलिमेंट हैं सब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स का मतलब है एडिटिव इनवर्स। तो अगर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू डी, इसको ये साइन है देयर एग्जिस्ट का, आप ऐसे कर सकते हैं लैंग्वेज में देयर एग्जिस्ट, यानी अगर ए मौजूद है डी में तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए बिलोंग टू डी, तो माइनस ए भी डी में होगा। और वो किस तरीके से होगा, सिर्फ नोटेशन ही नहीं, वो इस तरीके से होगा कि उन दोनों एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी जो थी एडिटिव आइडेंटिटी उसके बराबर आएगा, चाहे प्री करें या पोस्ट करें, यानी आपस में इंटरचेंज भी कर दें तब भी कोई इफेक्ट नहीं। ये चार प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप की चार प्रॉपर्टी होगी। और एबिलियन ग्रुप बनाना है तो पांचवी प्रॉपर्टी और शामिल करना है, यानी ए बी बिलोंग टू डी सच दैट इस तरीके से हो सच दैट कि अगर ए का ऑपरेशन बी के साथ में प्लस ऑपरेशन करें तो फिर v प्लस ए करें वो भी इक्वल हो, तो ना सिर्फ ये कि नहीं दो एलिमेंट के लिए हो d में पाए जाने वाले फॉर एवरी a भी बिलोंग टू d के लिए है, तो पांच प्रॉपर्टी a सेक्शन की हमने बता दी। तो d जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में इस इंटीग्रल अगर डोमेन है तो इसमें प्रॉपर्टी होंगी 12, तो 12 में से हमने ये इस एबिलियन ग्रुप की पांच प्रॉपर्टी बता दी। अब दूसरे सेक्शन यानी बी ग्रुप की प्रॉपर्टी देखना है कितनी प्रॉपर्टी होंगी, तो इसमें चार प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर शामिल करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो डी इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में इज एन एबेलियन, एबेलियन का मतलब ये
इसमें ऐसा नहीं पांच प्रॉपर्टी, बल्कि एविलेन यहाँ पर लिखने का मतलब है कि सेमी ग्रुप के साथ में जब एविलेन ग्रुप लगता है तो सेमी ग्रुप में तो दो प्रॉपर्टी होती हैं। एविलेन में अगर लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पर लास्ट वाली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शामिल होगी, तो तीन प्रॉपर्टी ये हो गई। और इसमें लिख देंगे विद यूनिटी, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन भी शामिल कर दें, तो इस तरीके से चार प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएंगी, पांच वो चार ये नौ प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर सबसे एविलेन ग्रुप की जो पहली प्रॉपर्टी है, सेमी ग्रुप की पहले प्रॉपर्टी लिख दें क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी ए बी बिलोंग टू अगर डी है तो इसका मतलब ये होगा कि ए इंटू बी बी बिलोंग करेगा डी, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू डी, यानी जितने भी एलिमेंट डी में हैं वो उनका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी डी में होगी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो इस यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट लेते हैं और ये बिलोंग करता है डी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू बी ले लें, फिर उसके साथ में सी मल्टीप्लीकेशन करें, या ऐसे करें कि पहले बी और सी का मल्टीप्लीकेशन कर लें, फिर जो वैल्यू आए उसके ए, तो इक्वल आते हैं ये ना सिर्फ एक दो एलिमेंट के लिए, तीन एलिमेंट के लिए, बल्कि जितने भी डी में एलिमेंट है फॉर एवरी ए बी सी डी के लिए ये बात लागू होती है। तो अभी हमने सेम ही ग्रुप पे पहुंचा है, एबिलिन ग्रुप और यूनिटी वाली और बात शामिल करते हैं। तो एबिलिन पहले हम यूनिटी वाली लिखते हैं, तो यहाँ पर वन जो एक यूनिटी होता है, यूनिट एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ये भी डी को बिलोंग करे, सच दैट इस तरीके से करे कि किसी भी एलिमेंट के साथ में जब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो वही एलिमेंट आ जाए, चाहे प्री करें या पोस्ट करें, फॉर एवरी ए बिलोंग टू डी, यानी डी में जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए ये बात लागू हो। अब एक और प्रॉपर्टी जो एबिलिन लिखा है, तो उसका इंडिकेशन ये होता है कि यहाँ पर हम कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए इंक्लूड कर रहे हैं। तो यानी फोर्थ वाली ये आ रही है बी सेक्शन की, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कॉमुटेटिविटी, यानी ए बी बिलोंग टू डी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू वी इंटू ए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू डी, ये बी सेक्शन की चार प्रॉपर्टी होंगी। अब इस तरीके से कुल मिला के नौ प्रॉपर्टी होगी। अब सी सेक्शन में आ जाएँ, ये मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एडिशन। तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं इसमें, जैसे कि लिखा हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट हम यहाँ पर ले लें ए बी सी बिलोंग टू डी, सच दैट वो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला है, यानी बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए का इंटू बी में भी हो जाएगा और ए का इंटू सी में भी हो जाएगा। और दूसरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, यानी बी प्लस सी को इधर लिखते हैं, ए को बाद में लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी का इंटू ए में हो जाएगा, सी का इंटू ए में हो जाएगा, और ये फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू डी के लिए बात लागू होती है। तो इस तरीके से सी सेक्शन की दो प्रॉपर्टी हो गई, पहले नौ हो गई थी, दो ये हो गई, नौ दो 11 हो गई। एक प्रॉपर्टी लास्ट रह गई जो थोड़ा सा अलग है समझने के लिए, बाकी सब तो हो चुकी थी। और डी थोड़ा सा ये है ज़ीरो डिवाइजर से रिलेटेड है, इसमें स्पेशल है, हालांकि जो फील्ड होता है उसमें भी ज़ीरो डिवाइजर होता है, लेकिन वो उसी के अंदर इंक्लूड होता है डेफिनेशन में, अलग तरीके से आ जाता है, लेकिन डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन में हम लोग ज़ीरो डिवाइजर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर ज़ीरो डिवाइजर की डेफिनेशन और दे देंगे और इसी को मेन चीज़ समझाना है इसमें। तो हम बात कर रहे हैं जो हमारा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर चल रही थी, डी प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, वो अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें ये 12 प्रॉपर्टी होंगी जिसको हमने चार सेक्शन में बांटा था ए बी सी डी। तो डी सेक्शन की ये वाली प्रॉपर्टी ज़ीरो डिवाइज़र के बारे में बताना है। द सिस्टम हैज़ नो प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र, यानी सिस्टम में ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे लिए,
इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज जीरो, यानी दो एलिमेंट हमने लिए ए बी बिलोंग टू डी और उनका प्रोडक्ट जो है माना कि जीरो के बराबर है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा या तो ए की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है या बी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है, यहाँ पर ए बी दोनों डी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ज़ीरो डिवाइज, यानी ऐसा नहीं कि डीज़ीरो डिवाइज़र मौजूद है क्योंकि इनमें से कोई एक एलिमेंट है। एक एग्जांपल हम लेते हैं ज़ीरो डिवाइज़र का कहलाएगा, जैसे कि दो वेक्टर्स हैं और वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर वी वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है, लेकिन क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, ना तो ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो, उसके बावजूद भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, तो इस केस में कहेंगे कि ज़ीरो डिवाइज़र जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ए का ज़ीरो डिवाइज़र वी है और बी का ज़ीरो डिवाइज़र ए है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं कहलाएगा अगर दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है और उनमें से कोई एक अगर ज़ीरो आ जाएगा तो कहेंगे कि सिस्टम में कोई ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद नहीं है। इस तरीके से 12 प्रॉपर्टी इसकी प्रूफ हो गई, बता दी, चाहो तो आप डिटेल में कर दो या फिर शुरुआत में जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, सिर्फ डेफिनेशन लिखना इतना शुरुआत वाला ये काफ़ी है और उसके बाद में एग्जांपल दे दें कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन है लेकिन ये फील्ड नहीं है। रीज़न ये लिख दें कि फॉर एग्जांपल 3 बिलोंग करता है जेड को, व्हाट 1/3 डज नॉट बिलोंग टू जेड विच इज़ इनवर्स ऑफ 3 एलिमेंट 3, और ये फील्ड के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी एलिमेंट इसमें हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद हो। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।